जो है जैविक खेती से मक्का उत्पादन सीखेंगे, जैविक खेती से मक्का उत्पादन। बीर जी भाई कृषि तकनीक, TCBT ताराचंद बीर जी कृषि तकनीक। ताराचंद बीर जी तकनीकी से मक्का उत्पादन हम सीखेंगे, और मक्का उत्पादन अभी हम बीस से बाईस क्विंटल प्रति एकड़ जो है मक्का उत्पादन का ध्यान में रख करके, इससे ज्यादा भी ले सकते हो आप, ध्यान में रख के करेंगे। अभी क्या होता है, जैविक खेती में भूमि उपचार नहीं होता, इसलिए सारी दिक्कत आती है। भूमि उपचार एक बार हो जाए तो आराम से फिर खेती में कोई लागत भी नहीं, कोई झंझट भी नहीं है। भूमि उपचार नहीं है इसलिए दिक्कत है। तो मैंने भूमि उपचार का पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। मिट्टी आपकी बहुत कठोर है तो आपको क्या है, 1 टन रॉक फॉस्फेट, 1 टन जिप्सम, 1 टन लाल मिट्टी डालना है, आधा टन पीली मिट्टी भी डाल सकते हैं। ये जीवन में एक बार है करना है भूमि उपचार का कोर्स। पहले आप कर चुके हैं तो अभी मक्का उत्पादन में नहीं करना। दूसरा है, मिट्टी में फंगस बहुत है, ठीक है, कठोर है, फंगस है। फंगस है तो क्या करना है कि जीवा फफूंद भक्षक घोल और फफूंद भक्षक पाउडर डालना है। पिछले वीडियो मैंने बताया है कैसे बनाना, कैसे डालना, ठीक है, गन्ने का वीडियो देखेंगे तो अच्छे से बताया है उसमें। फिर कीट बहुत है खेतों में, तो मैंने कीट भक्षक घोल आपको बताया है बना के डालना, 1000 से 2000 लीटर। फिर जीवाणु नहीं है खेत में, तो जीवाणु जो है, जीवाणु बढ़ाने का जीवाणु घोल खेत में डालना, ठीक है। ये आपका पहले काम ये करना चाहिए, है ना, पर हमने नहीं किया है, इसलिए अभी मैं भूमि उपचार की प्रक्रिया के साथ मक्का उत्पादन बताने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस आपको बड़ा लगेगा। ये सारा जो है भूमि उपचार पिछले वीडियो में जाके देखो आप। अभी हमको लगेगा कि ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ रही है, पर ये ज्यादा काम इसलिए कि मिट्टी कॉम्पैक्ट है, मिट्टी में सूक्ष्म तत्व तो नहीं है, मिट्टी में खरपतवार बहुत होते हैं, मिट्टी में जो है फंगस है, वायरस है, इसीलिए हम मक्का उत्पादन के साथ ये भूमि उपचार का कोर्स कर ले रहे हैं। अगले साल मक्का लगाओगे तो ज्यादा कुछ नहीं लगाना, केवल समय से जुताई करना, ठीक है, बेड बनाना और बोनी कर देना, बिना बेड बनाए भी सीधे बोनी कर देना मक्का का बीजोपचार करके, बहुत अच्छा उत्पादन आएगा, ठीक। पर अभी हम दोनों भूमि उपचार के साथ आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि भूमि की तैयारी, पहले तो पूर्व तैयारी, क्या क्या बुला लेना, सोल ऐप से बुलाना है आपको पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी आप जो है सोल जो है ऐप है, या www.esoulyf.com, इससे आप बुला लेना एक गोवर्धन खनिज खाद। ये बुला लेना लगभग 1.5 क्विंटल यानी 6 बोरी, ठीक है। दूसरा है OKP, यानी इसमें लिक्विड तरल फास्फोरस है, तरल फास्फोरस और पोटास है इसमें, है ना, ये बुला लेना 1 लीटर। फिर तीसरा है कैप्सूल कल्चर बुला लेना, एक किट, और एक किट हो जाता है 10 एकड़ के लिए, ठीक है।
एक बार बुला लो, फिर आपकी चाहे कोई फसल हो सब में लागू होता है। और तीसरा चौथा अग्निहोत्र किट, खेत के मध्य में अग्निहोत्र करना है, ये भी बुलवा लेना आप, एक किट बुलवा लेना। पांचवा क्या है आपका, पांचवा है नैनो नत्रजन बुला लेना, और तीन स्प्रे कम से कम करना है इसलिए इसको बुला लेना 1.5 लीटर। छठा मही राजा बुला लेना यानी माइकोराइजा, आधा 500 नैनो मही राजा बुलाना, ठीक है, सामान्य वाला 3.5-4 किलो लगता है, ये 500 ग्राम दो बार डालने के लिए हो जाएगा। सातवा सूरपाल बुला लेना 2 किलो, सुपर स्वाइल आठवा बुला लेना 2 किलो, इतना बुलाने के बाद जो है ये पहले से ही बुला के रख लेना। एक और है, आजकल जो है मक्के में बहुत ज्यादा अमेरिकन इल्ली, इसका बहुत ज्यादा प्रकोप हो रहा है, तो नैनो बजरंग बाण बुला लेना, लगभग ये बुला लेना 500 ml। और कीटों के लिए आप बुला लेना भक्षक एम प्लस, ये जो है जो अमेरिकन इल्ली है उसी के लिए, उसी का पूर्व की तैयारी है वायरस से खत्म करने की, ये बुला लेना 1 लीटर। तीसरा है इसी तरह वैसे फंगस आता हो तो नैनो त्रिशूल बुला लेना, ये 500 ml बुला लेना, ठीक है। इतनी चीज पहले से बुला लेना, तैयारी रखना। मक्के का बीज भी बुला लेना, ये भी एक बहुत बड़ी आजकल समस्या है, सभी जगह हाइब्रिड मक्का भी मिल रहा है और शायद उन्हीं मक्कों से बीमारी फैल रही है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अमेरिका का जो इल्ली भारत में एकदम से कैसे बढ़ गई मुझे समझ नहीं आता, कहीं ना कहीं मुझे इसमें बीजों में कुछ गड़बड़ झाला लगता है। तो आप सोल ऐप से ही बीज बुलवा लेना, बहुत अच्छा बीज है सोल में, एक तो लाल मक्का है, ये हाइब्रिड मक्का से ज़्यादा प्रोडक्शन इसका आता है, और इसमें न्यूट्रिशन बहुत है, आयरन है, मैग्नीज है, और मिनरल्स बहुत होते हैं, ग्लूकोज बहुत है इसका, है ना, एंटीऑक्सीडेंट है लाल मक्का, ये लाल मक्का हमको खाना चाहिए। फिर पीला मक्का और सफेद मक्का भी है, सफेद मक्के में दूसरी कैल्शियम और अन्य चीजों की मात्रा बढ़िया रहती है, ठीक है। तो ये मक्के का बीज आप बुला लेना सोल से ही, बहुत बढ़िया बीज है ये, और जैविक खेती के द्वारा ही है, किसी भी टेक्निक से तैयार किया हुआ बीज है, ठीक। तो इतनी पहले तैयारी कर लेना बेटा। अब हमको जो है करना है खेती की शुरुआत, तो खेती की शुरुआत में पहले क्या करना है, बीज। तो बीज को सबसे पहले धूप दिखाना यानी सूर्य प्रकाश दिखाना, ठीक है, 4 घंटे का सूर्य प्रकाश दिखाना, फिर उसके बाद प्रार्थना करना, बीजों को हाथ में लेना, बोलना है मक्के का बीज मैं आपको मेरे इस खेत में बोने जा रहा हूँ, खेत का नाम लेना, बोने जा रहा हूँ स्पष्ट, है ना, आपका संरक्षण संवर्धन करने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें, ऐसा प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद उन बीजों को वापस उसी ढेर में रख देना, मिक्स कर देना, मिक्स करने के बाद फिर जो है वहाँ धुआं करना, काय का धुआं करना, अपना गंध चिकित्सा किट में
जलाना उसी में जो रहता है, हींग हल्दी गुग्गल अजवाइन और नीम खली का पाउडर, सरसों खली का पाउडर, थोड़ा चावल और चावल में घी चुपड़ लेना, 100 ग्राम चावल में जो है 1 ग्राम घी डाल के अच्छे से चुपड़ लेना, ये सब मिक्स करना और इसका कंडा जला करके, पहले कंडे जलाना और जब जल जाए तो 4 देवताओं का आह्वान करना, भू स्वाहा अग्नय इदम नमम, भूव स्वाहा वायव इदम नमम, स्व स्वाहा सूर्या इदम नमम, भूर भूव स्व स्वाहा प्रजापतय इदम नमम, ऐसे 4 देवताओं का आह्वान करके 4 मूंग घी डाल देना। और घी डालने के बाद फिर जो है वो जो हमने हवन सामग्री बनाए वो डाल के धुआं होते देना और कमरे के अंदर ही करना, बढ़िया धुआं होते देना, आप बाहर निकल जाना वहाँ धुआं होने देना। तो इससे क्या है उसके अंदर जो भी मतलब क्या है कि जो भी फंगस वायरस है वो सब और एनर्जी से भर जाता है, बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बीज का उपचार करना, उपचार किससे करना, बीज का उपचार करना महिराजा से, महिराजा 250 ग्राम, ठीक है, और प्लस सूरपाल 250 ग्राम, इससे कोटिंग करना। और कोटिंग करके, और कोटिंग कैसे करना, इसमें जो है 500 ml जो है गौमूत्र, चाहो तो गौमूत्र में थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल के अच्छा उबाल लेना और छान लेना, गौमूत्र और 500 ml छाछ, इसमें ये सब छाछ गौमूत्र महिराजा सूरपाल मिक्स कर देना, अच्छे से मिक्स करके कोटिंग कर देना, मतलब स्प्रे कर देना, और फिर बोनी करना, ठीक है, ऐसा बोनी कर देना। अब क्या है भूमि की तैयारी, भूमि में क्या करना, सबसे पहले आपने जो अपन ने बुलवाया है क्या गोवर्धन खनिज खाद 25 किलो है ना, और प्लस इसी में क्या मिला लेना, महिराजा मिला लेना 250 ग्राम, क्योंकि 250 ग्राम बीज में कर लिए, और क्या इसी में डाल देना, इसमें जो है आपका वो डाल देना एम प्लस भक्षक, एम प्लस डाल देना, ठीक, और बस इतनी तीनों चीज को डाल करके एक एकड़ खेत में फेंक देना। फेंकने के बाद जो है, और अगर आपने भूमि उपचार कर रहे हो लाल मिट्टी पीली मिट्टी सफेद मिट्टी तो उसको पहले फेंक देना, दो और मतलब 2 बार जुताई करना, लाल पीली सफेद मिट्टी फेंक के, और हल्का रोटावेटर नहीं, फेंकने के बाद ये भी फेंक देना अपना गोवर्धन खनिज खाद 25 किलो, महिराजा 250 ग्राम, भक्षक एम प्लस आधा लीटर, ये मिलाकर फेंक देना। और फेंकने के बाद जो है रोटावेटर चलाना, और रोटावेटर चलाने के बाद बोनी कर देना, बोनी अपने हिसाब से करना, कतार से कतार, बीज की मात्रा आप अपने हिसाब से लेना आपके खेत के हिसाब से पहली बार में, ठीक है। तो ये आप लेकर के बोनी कर देना, बोनी करने के बाद क्या करना है कि उसकी निनाई करना, 10-12 दिन के बाद निनाई करना है, ठीक है, 10-12 दिन बाद निनाई करना, और निनाई करने के बाद हर 15 दिन में 25 किलो, निनाई करो या ना करो हर 15 दिन में 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद डालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, हर 15 दिन में 25 किलो, 2 बार निनाई करवाना, और क्या कर सकते हैं स्प्रे करना, स्प्रे का मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना। 200 लीटर पानी लेना, ठीक है, और उसमें क्या करना है, पहला दूसरा काम उसमें 2 किलो गोवर्धन खनिज खाद डाल देना, ठीक है, तीसरा 1 किलो गुड़ डाल देना, चौथा और क्या हो गया, इसमें 200 ग्राम सुपर सॉइल डाल देना, ठीक है, और इसमें जो है
2 लीटर छाछ और 2 लीटर नहीं, इसमें 500 ml जैव रसायन और गौमूत्र आपके पास हो तो 2 लीटर गौमूत्र, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये मिक्स करना, सबको फर्मेंट होने देना, सबको क्या होने देना, फर्मेंट होने देना। कितने दिन? 4 दिन फर्मेंट होने देना और उसके बाद उसमें मिला देना OKP 500 ml। ये मिला करके और नैनो नत्रजन मिला देना 500 ml। और फिर इसमें मिला देना लगभग आपका 100 लीटर पानी मिला करके, और ये सब मिला के फर्मेंट होने के बाद 100 लीटर पानी मिला के और फिर कर देना स्प्रे। इसको हम बोलते हैं अणुजल। क्या बोलते हैं इसको? अणुजल। ऐसा इसके कम से कम 3 बार स्प्रे करना। कितने बार? 3 बार। और अगर जो है आपके खेत में, एक तो हो गया ये वृद्धि के लिए, ठीक है, 3 बार स्प्रे। और जो है आपके खेत में यदि अमेरिकन जो है सुंडी के अटैक की संभावना दिखे तो सबसे पहले जो है भक्षक एम प्लस का स्प्रे करना, ठीक। भूमि उपचार कर लीजिए, कोई बीमारी नहीं आना, अमेरिकन सुंडी थ्रिप्स माउंट कुछ नहीं आना है, एक बार भूमि उपचार। लेकिन भूमि उपचार नहीं हुआ तो पहले साल आएगा, तो आपको क्या करना है कि बोलवार्म, क्या बोलते हैं उसको, अमेरिकन इल्ली, अमेरिकन बोलवार्म कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, पूरे देश भर में काफी फैल रहा है, ठीक है। उसमें धारी धारी होती है, उसके सिर में 2 धारियां ऐसी होती है, ठीक है, पीठ में भी होती है, धारी नहीं है तो वो भारतीय इल्ली है, धारी है तो अमेरिकन है, बहुत खतरनाक है वो, अंदर अंदर जाके पूरे इल्ली को हाँ खत्म कर देता है। तो ऐसी स्थिति दिखे शुरू में ही, मक्का जब छोटा हो तब से ही आना शुरू हो जाता है, तो अब क्या करना है, 200 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ डालना, 200 ग्राम गुड़, ठीक है। और इसमें 2 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 1 किलो लाल मिट्टी, लाल मिट्टी नहीं है तो जो सिर धुलने की मिट्टी आती वही चल जाए, गेरू, गेरू चलेगा, गेरू, ठीक है। 1 किलो सफेद मिट्टी, 1 किलो पीली मिट्टी और 1 किलो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, और 1 किलो जो है आपकी कोई भी ऐसी मिट्टी जो मेड़ की मिट्टी है, या ये क्या करना है कि 6-7 इंच नीचे ऊपर जैसे JCB गड्ढा करता है ना, तो उसमें से निकाल लेना, 1 किलो नहीं 2 किलो खरोच के, हाँ खरोच के निकाल लेना, JCB गड्ढा करता है तो ऊपर से ऐसे खरोचना, 2 किलो मिट्टी निकाल लेना, ठीक है, गड्ढे वाली मिट्टी, और इसको छान लेना, ये भी इसमें मिला देना अच्छे से, ठीक है। मिलाने के बाद इसमें 200, ये सब अच्छे से मिला लेना, मिलाने के बाद एम प्लस भक्षक एम प्लस कितना, 500 ml, ये डाल करके
और ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना। अच्छे से मिलाएं और स्प्रे कर देना। देख लेना नोजल में ना फंसे, इसलिए केवल ये मुरुम मिट्टी को अच्छे से बस कूट लेना, छान लेना, बारीक छान लेना, ठीक है। इसके बाद स्प्रे कर देना, ये अमेरिकन बोलवार्म वहीं के वहीं रुक जाएगा, और आएगा तो उस पर ये जो है, एक तो क्या है ये मिट्टी की सतह उसमें है तो वो अंदर काम जा नहीं पाएगा, और दूसरा अंडे नहीं दे पाएगी, मक्खी अंडे नहीं देगी, और अंडे दे दिया है तो उसको ये भक्षक एम प्लस में जो वायरस है, इसमें एनपीवी वायरस है, इसमें मेटारिजियम है, बिवेरिया है, और बेसिलस थुरिंजेंसिस खतरनाक वायरस है जो तना छेदक फल छेदक के इल्लियों को डैमेज करता, वो वायरस है इसमें, ये वायरस उसको डैमेज करेगा, ठीक है। ये मिट्टी में ये वायरस मिक्स रहेगा, जैसे ही उस पर अंडे बच्चे कहीं आया तो ये तुरंत हमला करेगा। तो इस तरह से आप ये जो है कर लीजिए। ये मैंने अलग अलग मिट्टी इसलिए मिलाया है कि ये मिट्टी प्लांट में जाएगा तो ये मिट्टी भी न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है। शाम को स्प्रे करना है, ठीक। तो इतना आप कर लीजिए, अमेरिकन जो है इल्ली से आपका निजात है। इल्ली अगर बड़ी बड़ी हो गई, मोटी हो गई, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है कि फिर कुछ नहीं, 200 लीटर पानी में 200 ml और बजरंग बाण और ऊर्जा जल, ठीक है। इल्ली मोटी हो गई तो क्या करना, 200 लीटर पानी में 250 ml बजरंग बाण, नैनो बजरंग बाण फूल से बुला लेना, और प्लस और क्या रहेगा इसमें, 200 लीटर ऊर्जा जल में, हाँ 200 लीटर ऊर्जा जल में, ऊर्जा जल यानी 200 लीटर पानी में 50 ग्राम फिटकरी, 50 ग्राम अग्निहोत्र भस्म की पोटली डुबा के रखना 12 घंटा, बस घोलना नहीं, डुबा के रखना, और उसी में बजरंग बाण मिला के स्प्रे कर दो तो मोटे मोटे इल्लियां सब पचट वो खत्म हो जाएंगी। आ गई तो, मोटी हो गई तो ये डालना है, और नहीं तो पहले से ये डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इतना करना और बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। माहू मच्छर तेला चेपा वगैरह आता है, कुछ अगर कोई दूसरी फंगस आता है तो ऊर्जा जल में त्रिशूल मिला लेना, नैनो त्रिशूल, और स्प्रे कर देना। फल में भी कभी कभी आते हैं, हाँ तो उसमें ये काम करेगा फ्रूट बोरर में, ठीक है। इसको आप डालना, फ्रूट बोरर नहीं आएगा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आप क्या करना, अणु जल का 3 बार स्प्रे कर देना, और इल्ली आए तो ये स्प्रे करना। चलिए आप बहुत अच्छा मक्का उत्पादन करिए, आराम से आप जो है 20-22 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का उत्पादन करिए, ऐसी आप मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।